नाजरीन आवाज न्यूज में भलीकार आऊं यहां अली रजा मंगी आया हुआ संजा सैयद हल्ला की हेडलाइंस तरह नाजरीन न्यूज में भलीकार आऊं यहां संजा सैयद आई नाजरीन आऊं यहां अली रजा मंगी नजर वजू तन वक्त आए जी खास खास खबरों पे इलेक्शन कमीशन तारिक इंसाफ के फॉरन फंड केस जो फैसलो सुभाने बुधाने जो ऐलान कर छोड़ो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मूजिब ममनुआ फंडिंग केस जो फैसलो सुभाने सुबह जो 10 लगे बुधाया वेंदो इलेक्शन कमीशन फंडिंग केस जो फैसलो 21 जून 2022 ते महफूज कयो वियो हो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पारा 4 अगस्त से इलेक्शन कमीशन के मरकजी ऑफिस आदो एहतजाज जो ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जो मुतालबो किया वो इमरान खान चाहिए मुल्क की क्यादत उन्हें करण घुर्जे जिन जो सब कुछ पाकिस्तान में है इतने मू वजी अजम वा वजीर थी वन था पर पैसों बाहर मुल्क में रखन था पीपल्स पार्टी रुगो सिंध नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी बढ़ी वही है आम चूडन का इंट्रा पार्टी चूंड कराइंदी जी हेठी सतह से मेहनत कदड़ अगत अची सन कौमी असेंबली में भी पीटीआई के फंडिंग केस जो पड़ाडो वफाकी वजीर खुर्शीद शाह चवाए तो इमरान खान पारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खिलाफ रेफरेंस आन आवाम के बेवकूफ बनाया है कौम सवाल कर रही है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्र कें हो हुकूमत पांजो मुद्दों पूरो कंदी इदारा कंहिंजी पसंद या नापसंद से ना लदा काफ लीग सरबराह चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के आइन में तब्दीली जो ऐलान कर छो मुझे मथा इल्जाम लगाइंदड़ की का हैसियत ना है सियासतदान की नाअली के करे आर्मी चीफ के मुदाखलत करनी पई मुआशी सूरत हाल से आर्मी चीफ के अग्न आन असानी नाअली है मुल्क में सच गल गुनाह बणजी पो है एक बे के गलीज गारियों डिन्न पी वन काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तारिक बशीर चीमा से गड इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे तो सोशल मीडिया तोड़े हर फोरम से मुझे पुटन खिलाफ प्रोपेगेंडा कई पी वे परवेज लाई के रिहायश गाह से मोटी अच्छी दावत दियां तो तारिक बशीर चीमा चवा तो चौधरी शुजात हुसैन पार्टी जो सरबराह है खेस हटाने मुमकिन ही ना है पेंडोरा बॉक्स खुलो तो घणियों गालियों जाहिर थी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाए जरदारी हाउस जहाँ चक्कर लगाया ही न मुड़िया तो उ गाल सामू आनीसी जे न खुलन घुर्जन पंजाब के वे वजीर वाली चूंड खिलाफ फिलहाल इलेक्शन कमीशन न वही रहा हूँ खानदान जो मजाक उड़ाइंदड़ होश का कम वन इकतदार अचड़ी वनणी शे है वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बलोस्तान के बोर मुतासर इलाकों का दौरो मुतासर के फौरी तौर मुआवजो अदा करने का हुक्म एनडीएमए पीडीएमए के अमलदार की वजीर आजम के बोर की तबाह बाबत ब्रीफिंग जुजवी या मुकम्मल तौर मुतासर थियल घर मुआवजो फी घर 5 लख रुपया बरसात मुतासर की फौरी तौर बहाली का हुक्म वजीर आजम शहबाज शरीफ चवे तो इन साल बरसात जो 30 साल रिकॉर्ड टुटी वो है आखिरी घर के बहाली तीन आराम से न वहबो इमदादी कार्रवाइन में कोताही कंदड़न के बख्श न किया वो बोर मुतासर जो वजीर आजम आडो खाधो इमदाद न मिलने जो दाहों वजीर आजम की मौजूदगी में बलोस्तान के वे वजीर डीसी बिया समूरा लागापियल अमलदार मुअतल कर छा वजीर आजम शहबाज शरीफ की 24 कलाक अंदर मुतासर के इमदादी चेक दियण की हिदायत वफाकी हुकूमत तरफा बरसात दौरान फौत थियल वारसन लाए 20 लख सूबाई हुकूमत पारा 10 लख रुपया इमदाद दियण जो ऐलान पाक फौज जवानन
बोर्ड मुतासिर माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधु मुंतक़िल कयो ऐं राशन फ्राहम कयो। हिन ॾुखे वक़्त में सूबाई हुकूमत पर वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतूं मदद करे रहियूं आहिनि। बलोचिस्तान में बरसाति दौरान 142 माण्हू फ़ौत समेत ज़ख़्मी थिया आहिनि। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चमन में बोर्ड मुतासिरनि खे ख़िताब। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सिंधरे वरे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पीपी सिंधरे सदर निसार अहमद खोड़ जी मुलाक़ात। बरसाति खां पोइ वारी सूरतहाल ऐं हुकूमती क़दमनि खां आगाही। बिलावल भुट्टो चयो आहे त बरसातुनि दौरान सिंध हुकूमत जे नुमाइंदनि ऐं पीपी अॻवाननि पारां आवाम जा मसइला हल करण जूं कोशिशूं वाखाण जोगियूं आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत क़ुदरती आफ़तुनि खे मोह ॾींदड़ आवाम जी मदद लाइ भरपूर किरदारु अदा करे रही आहे। पीपल्स पार्टी आम माण्हुनि जी पार्टी आहे। मुसीबत में असां आवाम खे अकेलो न छॾींदासीं। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत में सती आदमशुमारी ऐं घरशुमारी बाबति इजलास। वरी वज़ीर मुराद अली शाह खे सती आदमशुमारी बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। मुराद अली शाह चवे थो छई आदमशुमारी में सिंध जी आबादी घटि ॾेखारी वई आहे। आदमशुमारी अहिड़ी हुजणु घुरिजे जेका शफ़ाफ़ ऐं दुरुस्त हुजे। सिंध असेंबली रेवेन्यू तरमीमी बिल ऐं सिंध पब्लिक प्रोक्रूटमेंट बिल गॾियल राय सां मंज़ूरु करे वरिता। सिंध असेंबली इंसानी हक़नि बाबति ठहराउ बि मंज़ूरु कयो। इजलास दौरान पी पी एम पी ए ग़ज़ाला सियाल जो ध्यानु चुकायो नोटिस। सोहराब ॻोठ वटि ग़ैरक़ानूनी बस रिक्शा ट्रक अॾनि जे ख़ात्मे लाइ कहिड़ा क़दम खया विया आहिनि। लाहौर पिशावर मुल्तान मोटर वे वटि बहितर निज़ाम आहिनि। हिते रश सबबु वक़्तु ज़ाया थिए थो। सब्ज़ी मंडीअ में रेड़ा बीहनि था जंहिं करे ट्रैफिक में रुकावट पैदा थिए थी। पी पी एम पी ए ग़ज़ाला सियाल जो ख़िताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पी टी आई एम एन एस जूं इस्तीफ़ाऊं मरहलेवार मंज़ूर करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ॿुधण लाइ मुक़ररु करे छॾी। वक़्ती चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुभाणे ॿुधणी कंदो। पी टी आई जे मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त पी टी आई जे 123 मेंबरनि इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि। मरहलेवार मंज़ूर आइन जे ख़िलाफ़ आहे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर खे समूरियूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करण जो हुकम ॾिनो वञे। सिंधु दरिया में पाणी जे वहकरनि में लगातार वाध। गुड बैराज ऐं सखर बैराज वटि नंढे दर्जे जी ॿोड़ बरक़रार। 24 कलाकनि दौरान गुड बैराज वटि 21,000 क्यूसिक, सखर बैराज वटि 2,000 क्यूसिक, कोटली बैराज वटि 14,000 क्यूसिक पाणी वहकरनि में वाध। गुड बैराज वटि पाणी जो मथां वहिकिरो 3,32,469 क्यूसिक, हेठां वहिकिरो 3,28,629 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज वटि 2,77,830 क्यूसिक, हेठां वहिकिरो 2,36,730 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। कोटली बैराज वटि मथां वहिकिरो 1,54,349 क्यूसिक, हेठां वहिकिरो 1,27,474 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। बलूचिस्तान में बरसाति बोड तबाही मचाए छॾी। मुख़्तलिफ़ वाक़नि में फौतुनि जो अंगु 136 थी वियो। बरसाति सबबु 1,98,000 एकड़नि ते ॿधलु फ़सल खे नुक़सान। पी डी एम तर्फ़ां बरसाति सबबु 13,525 घरनि खे नुक़सान पहुतो। सिंधाबाद गार इतिहाद कणिक जो इमदादी अघु 4,000 रुपया फीमण मुक़ररु करण जो मुतालबो करे छॾियो। कमंद जो अघु 500 रुपया, साड़ियुनि जो अघु 2,500 रुपया ऐं खुटीअ जो 10,000 रुपया फीमण मुक़ररु करण जो मुतालबो। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सिंध आबादगार इताद जे मर्कज़ी सदर नवाब ज़ुबैर टालपुर, सीनियर नायब सदर ज़फरुल्ला टालपुर ऐं ॿियनि चयो त ताज़ियुनि बरसातुनि सबबु जानी तोड़े माली नुक़सान थियो आहे। बरसाति सबबु केतिरनि इलाइक़नि में फ़सुल तबाह थी विया। आबादगारनि खे सख़्तु नुक़सान पहुतो आहे। उन करे सिंध सरकार बरसाति मुतासिर इलाइक़नि खे आफ़त सटियल इलाइक़ो क़रार ॾेई आबादगारनि खे रिलीफ फराहम करे। रतदेरो में एचआईवी ते ज़ाब्तो अची न सघियो। वधीक हिकु बार फौत। पुटु सॼण हकड़ो में 6 सालनि जे सुमेर तुनियो एचआईवी खे दम ॾिनो। 3 सालनि दौरान मजमूई तौर ते फौत थियल वारनि जो अंगु 63 थी वियो।
गमड़ के फारूखी पाड़े में हथियारबंदन की फायरिंग, नौजवान कतल। हथियारबंदन की फायरिंग में नौजवान बख्त खास खैली जख्मी थो। केस गेम्स अस्पताल मुंतकिल कर जिते उन्हें दम दिनों। वारसन मूजिब नौजवान कुछ वक्त अग गोपांग बिरादरी की नारी से पसंद जो परणो किया हो। खेस गोपांग बिरादरी के मान फायरिंग कर कतल किया है। शहदादकोट में मुबैना गलत इंजेक्शन लगन सबब पंजन सालन जो बारड़ो फौत। मासूम मिंगर उमर फारूक सुमरो खांगी अस्पताल में इंजेक्शन लगन सबब फौत थे। बारड़े के वालिद जो चवण है तो गिफलत कदड़ डॉक्टर और कंपाउंडर खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ पे वने। मोहनजो दड़ो वेझो मोटरसाइकिल सेल्प थियण सबब नव महीनों की बारड़ी फौत। औरत समेत बजना जख्मी गोठ धिंगाणो जलबाणी वासी से हादसो पेश आयो। नव महीने की बारड़ी अजवा धी मोहम्मद खान जलबाणी फौत थी वही। संदस अमर सकीना समेत बजना जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कश्मोर में बीएस फीडर में बुढ़ी वैल नौजवान जो लाश हथ आयो। गुजरियल नी आर डी पुल वट बुढ़ी वैल नौजवान नूर मोहम्मद लाशारी जो लाश 24 कलाकन का पोए हथ आयो। दादुए जो नींगर पानी के तलाब में वेंदे बुढ़ी फौत थो। गुड़ हाशिम लुंड में 14 साल जो रबनवाज लुंड वेंदे बुढ़ी गयो।